भाई बड़ी बात चल है, खैरियत है भाई? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से? आपसे उधर मुलाकात हो रही थी, आज यहाँ पे मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज असीफ फ्रॉम असीफ व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज का जी व्लॉग करते हैं शुरू, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो जी भाई साहब, आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तकरीबन 5:30 बजे, ठीक है, शाम के 5:30 बजे। आज इन्विटेशन था आतिफ भाई का, जहाँ से हमने बाइक परचेज की थी खोखर मोहल्ले से, वहीं पे उनका आज ग्रैंड लॉन्चिंग है, ठीक है। लॉन्चिंग किस चीज़ की है? होंडा CG125 और ये जो नए मॉडल आए 2025 के, उसकी लॉन्चिंग है भाई। उसका बहुत बड़ा फंक्शन रखा है उन्होंने, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे जाएंगे। कोशिश क्यों बोल रहा हूँ कि जी भाई साहब, अभी दोस्त की बहन की सीजर है, सी सेक्शन है, ठीक है। इस वजह से पहले उधर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको थोड़ा वहाँ पे नहीं पता, नए नए कभी उन्होंने हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटे भाई, हमने तो काटे हैं ना। तो जाते हैं पहले हॉस्पिटल, इनको थोड़ा समझा के, और उसके बाद हम जाएंगे आतिफ भाई के पास। चलो जी, अच्छा जी, बस तो फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो फाइल भूल के आ गया है, जिससे सी सेक्शन होना है, ऑपरेट होना है, वो फाइल ही घर भूल के आ गया है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अभी ऐसा है, वो गया है फाइल लेने, ठीक है। हॉस्पिटल हम पहुंच गए, फैमिली मेरी इधर ही इनके साथ है, तो बाकी ऐसा है कि जी वो आता है जैसे ही, तो उनकी फाइल मुकम्मल करवाते हैं और सी सेक्शन का शुरू हो जाएगा। मैं चला जाऊंगा आतिफ भाई के शोरूम पे। अभी ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8% बैटरी है, खत्म, जिसमें मैंने वहाँ पहुँचना है और उस सारे इवेंट को रिकॉर्ड भी करना है। कुछ पता नहीं है भाई, अगर बंद हो गया तो आतिफ भाई नाराज़ नहीं होगा, जितना 8% में हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि वो भर सकूँ वीडियो भाई। बस तो ये भाई यहाँ से गुजर रहे थे और मैं व्लॉग बना रहा था, तो उसी दौरान भाई ने बोला कि भाई हमें समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो, गजब बेइज्जती है। अभी दोबारा से आए हैं भाई, इनको चैनल का नाम भी बताया और इंशाल्लाह ये बोलने सपोर्ट भी करेंगे आपको, ठीक है भाई, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। A few inches later. अच्छा जी, बस तो फाइनली फाइल वगैरह बन गई है, ठीक है। अभी चलते हैं जी आतिफ भाई के शोरूम पे, वहाँ पे थोड़ा उनका इवेंट दिखाना है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे। अभी मसला ये है कि 8% बैटरी, 8% बैटरी में होगा क्या कुछ पता नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए हैं जी इनके शोरूम के बाहर, जो उनका इवेंट है आज, ये देखें आप, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बाइक है ये। अभी इन्होंने कपड़ा नहीं उठाया यहाँ से, और जैसे ही कपड़ा उठाते हैं माशाल्लाह तभी उठवाते हैं आपको, लेकिन आवाज़ थोड़ी कहीं कम आ रही है, उसको समझ लेके जाएंगे। रश बहुत ज़्यादा है भाई, और यहाँ पे गाने चलते हैं, एक चलते हैं, तो बहुत दबा। अच्छा जी, बस तो आतिफ भाई ने हमें बुलाया, आतिफ भाई से आसा वाले आतिफ भाई, क्या चल है, कैसे हैं? आपसे उधर मुलाकात हो रही है भाई, बिल्कुल यहीं से बाहर खिली थी, खैरियत आप सुनाए, ब्लॉग देखा था मेरा आपने? अभी यहाँ पे नॉइस बहुत आ रही होगी जिस वजह से ये डेक चल रहे हैं ना, मैं लॉन्चिंग जैसी होती मैं दिखा दूंगा, ठीक है भाई। हाँ नहीं नहीं, आपकी मैं अलग से जो है तस्वीरें वगैरह बना लेता हूँ, वो अभी आपसे ब्लॉग में भी है, अलग से भी बना दूंगा, ठीक है। राइडर सही चल रही है आपकी? राइडर भाई थोड़ी वाइब्रेट कर रही है, हमारे उस्ताद को बताएं, कोई शिकायत है उस टाइम की दूर, उसके बाद काफी अच्छी चल रही थी। चलो और सेट हमारा और सब खैरियत है। अच्छा जी, बस तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, ठीक है, इस शॉप के नीचे, तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम गाड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन हमने लॉक अच्छा सा लगा दिया है इस पर। तो बाकी ये है कि लॉन्चिंग होने वाली है, कंपनी वाले आने वाले हैं, जैसे ही आते हैं तो उसके बाद लॉन्चिंग होगी, आपको दिखाएंगे 2025 का 125। अच्छा जी, बस तो मैं आया था आतिफ भाई के इवेंट पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा ही हूँ, तो यहाँ पे हमें एक बहुत पुरानी शख्सियत मिली है। अब इसका क्या मैं आपको बताऊं यार, ये मेरा कॉलेज का क्लास फेलो है, और बहुत हमने बहुत गुगल मेला जिसको बोलते हैं ना, वो हमने क्लासों में बैठ के वो काम किए हैं भाई, टीचरों के सामने टीचर लिख रहा होता था, पीछे हम बच्चोदियों में लगे होते थे भाई। आज भी मैंने तो शादी कर ली, सारे दोस्त भूल गए, लेकिन ये वाहिद दोस्त मुझे याद था, और एक जैन भाई याद था, ठीक है। तो इस बंदे से मैं नंबर ले लिया इसका। वैसे एक बात पूछूं यार, कसम खुदा की मुझे तेरा नाम भी भूल गया।
अमानुल्ला यार, जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं ना भाई, ठीक है, तो सब कुछ भूल जाता है। शादी के बाद तो बिल्कुल ही भूल जाता है। हमें सबके याद रहते हैं भाई, आप तो फिर वफादार हुए ना यार, सबके बच्चे भी याद। अच्छा, इसी के साथ ये भाई है, भाई का नाम अली भाई भी हमारे क्लास फेलो थे। आज माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पे शोरूम खोला, ये उनका शोरूम है, ये भी आप देख लें, ठीक है। अब ऐसा ना हो आते भाई बोलेंगे प्रमोशन मेरी कर गया। लेकिन भाई तुम दोस्तों और पुराने दोस्तों, ठीक है, हम क्लास के दोस्त हैं, कुछ भी वो क्लाइंट है आपको सस्ती, नहीं, सस्ती, वो भी दोस्त है भाई। सस्ती अच्छी और मायारी गाड़ी चाहिए तो अली भाई से रब्ता कीजिएगा, उधर मत जाइएगा। चुप कर बे कुत्ते यार, उसका 30,00,000 का कर्जा ही हुआ तो भाई का। अच्छा जी, बस तो बड़े में इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इनका कोई कंपनी वाला बंदा आता है तो ये इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर मैं आपको दिखा देते हैं कि क्या चीज है ये। वैसे आप इंडिकेटर देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन सी बाइक है। भाई अली भाई ने मंगवाई है चाय, लेकिन मसला ये है कि मैं भी खा के आया हूँ मछली, ऐसा ना हो कि भाई घर जाते जाते मुझे मेरी बीवी भी ना पहचाने मुझे, ये कौन आ गया भिखारी एक। खैर भाई, अल्लाह अल्लाह करके चाय पीते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, बस तो हुआ है सुबह का टाइम, सारा आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि लॉन्चिंग पे हम गए भी थे लेकिन बाइक्स को क्यों नहीं दिखा सके। भाईजान, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि जब मैं हॉस्पिटल गया था तो आपको सारी बात बताई थी कि मेरे 8% मोबाइल की बैटरी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे फाइल वगैरह जमा करा के, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आधा घंटा या एक घंटा लग गया था, क्योंकि वो भाई जब आए थे तो उन्होंने बोला कि हम फाइल घर पे बोला है, दोबारा वो गए फाइल लेके आए, उसके बाद एडमिशन उनका हुआ है वहाँ पे हॉस्पिटल में, और उसके बाद सी सेक्शन हुआ है 9 बजे। तो खैर, हम निकल गए थे शोरूम के लिए, शोरूम वहाँ पे जब पहुँचे आतिफ भाई से और पूरी उनकी टीम से मिले हैं, लेकिन उन्होंने बोला कंपनी वाले आएंगे तो उसके बाद ही बाइक की ग्रैंड लॉन्चिंग होगी, ठीक है। तो हम इंतज़ार करते रह गए और मोबाइल की बैटरी लो होती रह गई 8% से 5% शोरूम पे वहाँ पे इंतज़ार करते करते लास्ट में 2% थी। हमने सारा वहाँ पे दिखाया, बहुत ज़बरदस्त स्टेज बना था, बहुत ज़बरदस्त बाइक रखी थी आतिफ भाई ने, तो 2025 का मॉडल बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई एक शिकायत भी आपसे, होंडा कंपनी से, आते भाई से नहीं, होंडा कंपनी को मैं यही कहूँगा यार, खुदा को मानो, सिर्फ थोड़ा ही डिज़ाइन चेंज कर लो उसका, सिर्फ स्टिकर चेंज ना करो, कोई डिज़ाइन चेंज करो, कोई मुख्तलिफ लाओ कि लोगों को पता चले यार 90 से लेके अभी तक वही बाइक चल रही है भाई, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। खैर, ज़बरदस्त माहौल क्रिएट किया था आतिफ भाई ने, अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया था। तो खैर, हम वहाँ पे गए और आपको सारा कुछ दिखाया, टीम का, उनकी जो कंपनी है उनका इंतज़ार करते करके लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, लॉन्चिंग होगी कि भाई साहब हमारा मोबाइल उधर हो गया बंद, जब फायरवर्क्स हो रहा था उस टाइम मोबाइल हो गया बंद और हम चले आए हॉस्पिटल, तकरीबन 8 हुए थे तो हॉस्पिटल में पहुँचा, तो वाइफ को मैंने बोला गैस में बाकी आधा घंटा है, वहाँ से हम दोबारा आए हैं यहाँ पे आके बच्चों का दूध उबाला है 8:30 बजे तक, फिर हम 8:30 बजे दोबारा गए हैं वहाँ पे, सिस्टर है मेरे दोस्त की, उसको लेके जा रहे थे ऑपरेट के लिए, ठीक है। तकरीबन 8:30 गए हैं, तो उसके बाद हम 11:30 बजे वापसी आए, तो तब भी लाइट नहीं थी, जब दूध उबालने आए तब भी लाइट नहीं थी। तो भाई, आपसे मैं कैसे व्लॉग में मिलता, पूरी रात लाइट नहीं थी, अभी मैं आपसे सुबह मिला हूँ व्लॉग में, और इसी के साथ व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। सारी आपको बात बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, ब्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।